कि बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अब आपके हाथ पे है, हाउ इज़ द फीलिंग? क्या बताऊँ, क्या फीलिंग है एक्चुअली. ये नहीं बोल सकती कि अनबिलीवेबल है. थोड़ा सा था बिलीव, थोड़ा सा था फिर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्योंकि जो 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 चीज़ों से मैं गई थी और उसके बाद ये जो हुआ है, तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये होता है आपकी सच्चाई जो एक्चुअली होती है. वही बोलते हैं ना कि जो सच का रास्ता होता है थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं. तो ये है उसकी मंजिल. और आपने इतना प्यारा बोला कि सच्चे सोने की तरह उभर आए, इसलिए आज मुझे गोल्डन ड्रेस मिला है और ये ट्रॉफी भी गोल्डन है. बस ये जवाब है जिन लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया था. आज 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. बहुत आसान होता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो वो मुझे मौका मिला बिग बॉस में आने आकर अपने आप को प्रूव करने का कि मैं एग्रेसिव हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. तो वो मुझे चांस मिला कि कभी भी एक्शन रिएक्शंस होते हैं, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है हर चीज़ के पीछे. तो उसके लिए मतलब मैं बिग बॉस का कितना मतलब शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है. हर कोई कुछ ना कुछ से कुछ सीख कर जाता है. अगर बिग बॉस से आपका कोई ऐसा सीख जो आपने लिया है, जो आप ज़िंदगी भर चेरिश करोगे, तो वो क्या होगा? मैंने बिग बॉस से सीखा है कि जिस तरीके से हम घर पे रहे, हम बाहर लोगों से मिलते हैं, अलग अलग दिमाग होते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, अलग अलग दिमाग होते हैं, लेकिन हम उनके साथ हमें रहना नहीं पड़ता. रहकर देखा कि हर रोज़ अलग चीज़ें हैं, हर एक के दिमाग में हर अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है. मैंने ये सीखा कि बहुत डिफ़िकल्ट है उसको सीखना बोलना, कि समझना बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक मैंने ये सीखा कि बहुत पेशेंस रखने चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सामने वाले को समझने के पेशेंस, या कुछ चीज़ मिलने के पेशेंस, या जैसे मेरे साथ अंदर जो चीज़ें हो रही थी, मैं बहुत अगर डिसअपॉइंटेड भी हो जाती थी, तो मैं ये सोचती थी ये लोग ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस मेरी बाहर है, वो मुझे बाहर देख रही है. मैं इन लोगों को प्रूव करके क्या करूं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इस चीज़ के लिए नहीं कर गया. कोई भी चीज़ इन लोगों को मुझे बताने का मतलब ही नहीं था. ऑडियंस मेरी बाहर थी, उनको दिख रहा है कि मैं क्या सच हूँ. तो उसके लिए मैंने जो पेशेंस रखे बेसिकली, और उस सिचुएशन को हैंडल किया, मैंने वही सीखा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. इग्नोर करो, चीज़ों को छोड़ दो, लेके मत बैठो. जितना आप उनको छोड़ दोगे उतना खुश रहोगे. जैसे टास्क में भी कैप्टनसी टास्क है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने उनको छोड़ दी है चीज़ों को. आई थिंक नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ, तो कुछ भी नहीं है परमानेंट, छोड़ दो, आप खुश रहोगे हमेशा. अगर बात करें किन लोगों से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुई, किन लोगों ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है? सी, वही होता है कि मैंने जाते ही वहाँ पे बोला था, जैसे कि मुझे किसी से रिश्ते बनाने यहाँ पे नहीं आए हैं. क्योंकि वही होता है, आप रिश्ते बनाते हो और फिर तोड़ते हो. तो बनाना बहुत आसान है और तोड़ना बहुत आसान है, रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल है. तो वही अर्शी के साथ जो हुआ, हमारी पहले दिन से दोस्ती थी, थोड़ी चीज़ें नहीं जमी, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही थी. मेरा एक्सपीरियंस बड़ी हो उस हिसाब से उसको नहीं हैंडल किया गया, तो वो बहुत दुख हुआ उस हिसाब से. क्योंकि मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए थी, मैं कोई गेम के लिए जीतने के लिए नहीं कर रही थी. मुझे बिग बॉस में आना और मैं अपने तरीके से रहना, वही मेरे लिए जीत थी. मुझे कोई कुछ प्रूफ नहीं करना था वहाँ पे, मैं जैसी हूँ वैसे मुझे रहना था. तो वो बहुत हर्ट हुई. आकाश के साथ भी था कि हालांकि बहुत 16-17 साल का बच्चा तो नहीं था वो, लेकिन जिस हिसाब से हम रहते थे, जो रिश्ते बनाए, उसके बाद आप उसको गलत तरीके से ले जाते हो, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है.
हिना ने बार बार आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप टास्क नहीं करती, आप सिर्फ किचन में रहती हैं क्योंकि किचन में आप जितना रहोगे मैक्सिमम दिखाई दोगे। ऐसा नहीं है कि पहले के सीज़न में लोगों ने काम नहीं किया है, पहले के सीज़न में भी लोग किचन में रहे हैं, फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही जैसे सैटरडे संडे एपिसोड्स हो जाते थे, सलमान जी मेरी ज़रा भी तारीफ़ करते थे कि आपको आप माँ की तरह आपको देखा जा रहा है, तो ओ गेम में माँ बन गई, बहुत सीरियस ले लिया कि वो तो सीरियस माँ बन गई। और कुकिंग पहले किचन में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि आप किचन में ही दिख रहे हो, मुझे बोला भी आप किचन में दिख रहे हो, किचन से बाहर आओ। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर सबने डाली है, कोई काम करना ही नहीं चाहता तो मैं भी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मैं किचन में इसलिए थी, अब किचन में दिख रही हूँ तो उनको वो भी प्रॉब्लम थी, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम थी। टास्क कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी टास्क नहीं किए, मैंने हर टास्क किया है और मेरे फैंस ने भी देखा है मेरी तरीके से अकेले मैंने टास्क किया है। आई थिंक इस गेम में मैं सिर्फ अकेली थी, मेरा ऐसे किसी ने साथ नहीं दिया, हर कोई ग्रुप बना के मैनिपुलेट करके खेलता था। मैं हमेशा बोलती थी कि बिग बॉस कहते हैं कि अपनी चतुराई इस्तेमाल करो, आप चालाकी भी इस्तेमाल करते हो, नो चतुराई मतलब स्मार्टनेस, चालाकी मतलब क्लेवरनेस, आप चालाकी से सब लोग खेलते हो। तो वो चीज़ें वही, और किसी को कोई बदनाम करने के लिए कोई चीज़ बार 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 बोल दो। मुझे भी कभी समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा टास्क नहीं किया। तो हिना किचन में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती थी, क्या उनकी कोई वजह थी या उसको करना ही नहीं था, उसको काम ही नहीं करना था, किसी को काम ही नहीं करना था। वही कहा कि किचन में कोई काम नहीं करना चाहता था, कोई किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था और ना ही मैंने किचन सब संभाली है। मुझे पता है मैंने पूरे घर का ख्याल रखा हुआ है उस हिसाब से, कोई कहीं भी कप छोड़ के चला जाता था, कोई कहीं भी प्लेट छोड़ के जा रहा है, अगर डस्टबिन भर गया है तो वहीं पे टिश्यू फेंक के ही चला गया, वो टिश्यू बाहर गिर गया, सब कुछ बाहर गिर गया। और मेरा ये है कि मैं करती थी कि मैं अपने घर पे भी वैसी रहती हूँ, मुझे साफ़ सफाई चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं करूँगा। तो मैंने उसको लिया, मैं लोगों को बोलती थी ये उठा ले, ये एरिया मेरा नहीं है साफ़ करने का, तो चलेगा वहाँ पड़ा रहे कचरा क्योंकि तुम्हारा नहीं है वो एरिया, मैं वो बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ, मैं वो साफ, तो मैं खुद कर लेती थी। तो मुझे उस पर भी बोला गया कि मैं लोगों के छीन छीन के काम करती हूँ, कहा अगर ऐसा है तो मैं पागल हूँ फिर उस हिसाब से। विकास गुप्ता के साथ आपकी काफ़ी अनबन दिखी लेकिन फिर एट लास्ट आप दोनों दोस्त बनकर बाहर आए, एकदम दोस्त नहीं तो एटलीस्ट कलीग्स बनकर बाहर आए। अब क्या इक्वेशन है और क्या एक साथ काम करने का इरादा है? एक साथ काम करने का ऐसा इरादा तो मैंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था एक टास्क में जो उन्होंने मुझे अपनी जैकेट नॉमिनेशन से बचाने के लिए दी थी, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि विकास गुप्ता मेरे लिए कर रहे हैं और दिल से कर रहे थे वो, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया मैं हम एक वेब सीरीज करेंगे पक्का पक्का करेंगे पक्का। कौन से ऐसे लोग हैं घर में जिनके साथ आप वापस मिलना नहीं चाहेंगे? ऑफकोर्स हिना खान, मुझे नहीं लगता मैं कभी मिलूंगी उनसे, और आई होप मैंने अंदर भी बोला था कि ज़िंदगी में दोबारा मुझे मिले मैं ना नहीं मिलना चाहती। कोई खास वजह, क्योंकि उन्होंने आपको दुख पहुँचाया इसलिए शायद? सी दुख तो जाने अनजाने में ऐसे तो सभी ने पहुँचाया, लेकिन आई डोंट नो उसके साथ कभी मुझे वो बहुत ज़्यादा अलग लगी, एक अलग तरीके से उसको मुझसे कॉम्पिटिशन थी, मतलब अगर घर पे किसी को भड़काने वाली थी तो वो हिना खान थी हर तरीके से। जैसे मीरा और हितेन का डांस हुआ तो अर्शी को उसने भड़काया, आकाश कोई भी चीज़ें मुझे पता चलती थी कि उसका इनिशिएटिव हिना खान से होता है। घर में सबसे गेम तो शिल्पा शिंदे खेल रही है, मैंने जो वीडियो देखा वो, अपनी माँ तो उसकी कभी आई नहीं थी वहाँ पे, ना उसके मम्मी डैडी आए, और यहाँ से जाने के बाद भी वो बोली कि मैं रो के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाऊँगी। तो आप अगर अपने मम्मी डैडी से, सिंपल है क्लोजनेस कितनी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी माँ आई थी मैं क्यों रो, मेरी माँ बिग बॉस में आई मैं रो क्यों? जब भी लोग कोई रो रहे हैं मैंने कहा बेवकूफ़ रो क्यों रहे,
यू नो यू शुड बी हैप्पी, आपकी फैमिली अंदर आई है. और तभी सलमान खान ने भी ये पूछा था कि आप शूटिंग के लिए नहीं जाते हो, आप बाहर नहीं जाते हो जो इस तरह से भय भय करके रो रहे हो. सो फनी कि आप दूसरे के पेरेंट्स के लिए भी रो रहे हो, इतनी एक्टिंग मत करो, थोड़ा नेचुरल रहो. तो वो फनी चीज़ें थी. और मुझे बोल रही है इसकी मम्मी आई, एक आंसू तक नहीं बहा, यू नो बहुत नौटंकी है. दिस द वे शी सेड दिस इज वेरी बैड. मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी मम्मी आई है, मैं क्यों रोऊं, मुझे खुश होना है. और मैं मतलब इस तरह से चीज़ें करना मुझे नहीं लगता कोई सेंसिबल चीज़ें उसने की है. आई का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला आप जीत गई हैं? तो क्योंकि वो आप दोनों के लिए मैं कह रही थी. नहीं पाई मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी तक मिल नहीं पाई हूँ. मैं सिर्फ एक हक किया मैंने और यहीं पे निकल आई हूँ, मैं मिल ही नहीं पाई हूँ. अब लास्टली क्या इरादा है, कहाँ पे वेकेशन जाएंगी, अनवाइंड कैसे करेंगी अपने आप को ये जो 3 months आपने 3.5 months लोनावला में ही जाऊंगी वेकेशन. और वापस पर्दे पे आने का क्या विचार है, क्योंकि काफी लीगैलिटीज भी हैं जो पीछे चल रही हैं, उन सबको कैसे अब निपटेंगी अब जब आप? नहीं एक्चुअली ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. और सच में मुझे आज सलमान जी ने भी पूछा कि क्या है, क्या कौन सा केस वेस कुछ है बताओ मुझे. तो मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे लोग कहते थे जब मैं बहुत सारे प्रॉब्लम में थी, आप सलमान खान जी से मिलिए वो आपकी हेल्प करेंगे, वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं. लेकिन मैंने आज ही उनसे कहा, जो मिलाने वाले लोग थे वो खुद सलमान खान हुए पड़े थे. तो ये हकीकत है. मुझे पता, एक लड़की होने के नाते जब किसी की हेल्प लगती है तो लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं. तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या जो भी हुआ. हाँ मेरी केसेस जो भी मेरे चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे आज बोला कि है कुछ भी है मुझे बताना, कोई भी प्रॉब्लम है तो. बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारी इंक्वायरी की थी तो उनको पता चला कि एग्जैक्टली मैटर क्या था. तो उन्होंने बोला भी कि विकास गुप्ता का उतना वो ये नहीं था, चीज़ें कहीं और से आई थी जो अभी मैं नहीं बता सकती, ख़त्म हो गई. लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने जिस तरीके से पूछा, जिस सपोर्ट से पूछा. क्योंकि सैटरडे के वार पे भी जिस तरीके से उन्होंने अर्शी को बोला कि जिस तरीके की लैंग्वेज तुम यूज़ करती हो, घर पे हितेन थे, विकास जी थे, हर तरह का मर्द था, हर तरह के लोग थे, लेकिन कभी किसी ने बोला नहीं कि ये बदजात औरत और इस तरह की लैंग्वेज क्यों बोलती हो. जिस दिन सलमान जी ने इस बात को बोला मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो सुना, किसी ने तो स्टैंड लिया. बहुत बड़ी बात थी मुझे, बहुत बड़ी. Thank you so much. Thank and we hope to see you back soon on TV with a beautiful character. Thank you so Thank much. You. And congratulations. Ek ID sir. Hi, I'm Shilpa.